अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या लेक्चर सर? ठीक हो? तकरे राजी खुश हो सर? जी अपना नाम है सर, सो घोड़े का नाम है सर। मेरा नाम हाजी खिजरिया तमाम। अच्छा सर, कुतुब शाही अवानी से, मंडी जिला भावल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह सर। बाकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कितना अच्छा ठीक है जी। ये जो बेल्ट है डीजी खान का इलाका है ना जी, इतने कम तो कम मैं हूँ 40 साल हो गए। अच्छा, इस पूरे बेल्ट में? बेल्ट में ठीक है। यहाँ पे कोतानी में कितना अर्सा हो गया? इधर सर एक महीना पहले आए। अच्छा, इस घोड़े को थोड़ा सा सेट किया है। अभी फिर जो हाजी जुनेर खान है कितरान जी, इनका ही घोड़ा है? हाँ, ये उसका घोड़ा है, वो हमारा शगिर्द भी है। अच्छा, और मुखलस दोस्त भी है, भाई भी है। ठीक है, अभी इसको जो है थोड़ा सा चाल नेजाबाजी वाली जो है पलट होती है, ठाप होती है, धमाल है, वो इसको सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये घोड़ा आपके सामने है, खूबसूरत घोड़ा है। इसका नाम क्या है? इसके नाम है सर मुर्तजिज। मुर्तजिज वो घोड़ा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम है। वो मुर्तजिज की माँ जो है उसका नाम है मुजल्ली। मुजल्ली अक्सर जितने भी सवार हैं ना उनको वो घोड़ों का नाम रखते हैं मुर्तजिज। बिल्कुल बिल्कुल। और उस घोड़े की माँ का नाम लोगों को नहीं पता, नहीं पता होता। बिल्कुल। वह उसकी माँ का नाम क्या है? बिल्कुल ऐसे। जैसे ना जुनाब मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, ज़ाहरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं कोई नहीं। बिल्कुल अल्लाह से इससे। तो जो मुर्तजिज है उसकी जो माँ है मुजल्ली उसका भी कोई बाप नहीं। अच्छा हाँ, क्यों? जो वो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो मुजल्ली आई है। सही। तो सबसे पहले पहले जो घोड़ा घोड़े की सवारी है वो किसके लिए आई है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए अल्लाह पाक ने घोड़े भेजे हैं। ठीक है। फिर बाद में सहाबा आए हैं, नबी आए हैं, जंगों में लोगों ने जिहाद किया है। ये घोड़ा ऐसी चीज़ है, बहुत वफादार चीज़ है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसके घोड़ा जो नर घोड़ा है उसके दांत होते हैं 40। अच्छा, नर घोड़े। सही। ये इनको बोलते हैं हम नेशे, ये नीचे वाले जो दांत है ना इनको नेशे बोलते हैं। सही। ये चार हैं, जो मादी है उसके चार कम है। उसके चार कम होते हैं यानी कि उसके 36 होते हैं। उसके 36 हैं। अच्छा, नर के जो है 40। 40 है। ठीक है। जो घोड़ा है उसके 205 हड्डी है। 205 हड्डी है। क्यों? जो ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया में जाना है। बिल्कुल। और मेरा जो नंबर है वो 0305-72-23-242। जो मेरे दोस्त भी इस बात को नहीं मानेंगे वो मेरे नंबर से मेरे साथ रابطہ कर। मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ना नीचे आपका नंबर डालूंगा। हाँ। और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर कोई भी भाई दोस्त ये वीडियो देख रहा हो और उसको चाहिए हो उस्ताद साहब का नंबर चाहिए हो तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपने घोड़े को ट्रेन करना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने ट्रेनिंग दिलवानी है तभी आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। ये वैसे भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी रहनुमाई कर देंगे उस मामले में। बाकी उस्ताद साहब से कुछ मजीद सवाल करते हैं कि जैसे कि उस्ताद साहब कितना अर्सा हो गया आपको इस काम में और कहाँ से आपने शुरू किया था? भाई जान, कौन आपके उस्ताद थे? मेरा जो उस्ताद था वो जंग के इलाके का था। अच्छा, उस्ताद फरोज अली खान। अच्छा, वो कुरेश खान का खानदान है उनका। अच्छा, और मैंने डांस भी उनसे सीखा है। सही। नेजेबाजी जो है वो भी उनसे सीखी। हमारे जो वालद थे ना पहले दादा साहब, वो हमारे हिंदुस्तान के। अच्छा, हमारे दादा पर दादा वो लखनऊ के बहुत बड़े सवार। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सवार थे। पर जो है उस्तादी तरीका होता है ना, वो किसी के आगे जाके शक्कर रखनी पड़ती है। हमें अपना बाप क्यों ना सवार हो, चाचा क्यों ना हो, और जो सवारी को समझते हैं वो उस्ताद खान साहब, कमर जमान साहब जो है ना। सही है। उनको घोड़ों का भी पता है। सही है। नस्लों का पता है। सही है। और वो घोड़े की हर चीज़ समझते हैं, इतने घोड़े के जोड़ हैं। और वो नेजेबाजी को भी समझते हैं। सही। नेजेबाजी का तरीका क्या है? सही है। असल जो नेजाबाजी जिसको बोलते हैं भाई, ये जो चीज़ है कौन सी जगह में पैदा हुई है, वो नेजाबाजी जो है वो सबसे पहले जो है पंजाब में पैदा हुई। पंजाब में नेजाबाजी की शुरुआत जो है वो सूबे पंजाब में हुई। पंजाब में। उसके बाद फिर वो जो है अफगानिस्तान वाले हैं, बलूचिस्तान वाले हैं, देरा इस्माइल खान वाले हैं, वो पंजाब से सीखते पे हैं।
और उनको देख देख के अभी निजामाबाद। तो सर आपको मतलब कहने का मतलब ये कि आपको शौक जो था वो एक किस्म का विरासती भी था, क्योंकि घर में आपकी तरबियत ही ऐसी थी कि आप घोड़ों में ही पले बड़े हैं, घोड़ों के साथ जाहिर है उठते बैठते जैसे बच्चा कोई चीज़ सीखता है, तो आपने वहाँ से ये चीज़ पिक की और आपको खुद भी शौक था, तो आप इसी फील्ड में ही आ गए कि मैंने इसी में ही अपनी ज़िंदगी वक्त करनी है क्योंकि ये मेरा शौक है, और आपने हक अदा किया जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आपको कैसा फील हो रहा है, इस इलाके की क्या खासियत है, इसका कल्चर, जाहिर आप अपर पंजाब में भी करते रहे हैं, मेरे ख्याल से तो आप पूरे पाकिस्तान में अब कर चुके होंगे जैसा आप बता रहे हैं, तो लग रहा है कि आपका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ की क्या खासियत है, कोई कोई इनफरादियत बताएं, कोई यूनिकनेस इस इलाके की, यहाँ के घोड़ों की स्पेशली, क्योंकि स्पेशली आपकी वही घोड़ों की है, आप उनको सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, जैसे अभी हमने देखा है आप सिखा रहे थे उनको, तो काइंडली थोड़ा इस बारे में बताएं हमें, हमारे इलाके के बारे में आपका क्या नज़रिया है सर। ये जो बीजी खान का इलाका है, ये घोड़े लोग रखते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, सब मुझे पहचानते हैं, कोई आदमी नहीं है जो घोड़े वाला जो मुझे ना पहचानता हो, माशाल्लाह। और इस घोड़े के जो काम है, जो डांसर घोड़ा है, उसका जो है पंजाब में ज्यादा उसकी मार्केट है, पंजाब में उसका ज्यादा शौक है। सही। और ये घोड़ा जो है इधर वाले जो लोग हैं डीजी खान वाले, ये निजाबाजी करते हैं, हमारे भाई हैं, अच्छी खासी करते हैं, पर इनका जो है ना मज़ा नहीं आता हमें। अच्छा। क्यों जी, निजाबाजी का एक तरीका होता है, एक असूल है, एक कानून होता है, घोड़े को समझना, घोड़े को पर कई लोग ऐसे होते हैं जो मैंने आते घोड़े को गाली निकालते हैं, हम मारते भी हैं, मारते भी हैं, जो भी सवार हमारे भाई दोस्त हैं जो घोड़े को गंदा अल्फाज बोलते हैं, हम खुदा की कसम उसके साथ हमारा ऐसा जीत जाता है, हम इस आदमी को सलाम ही ना करें। आपका एक अदब का ताल्लुक है ना इस फील्ड के साथ। बिल्कुल। तो इसी क्वेश्चन, इसी बात में से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर फर्ज किया घोड़े को मारने की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार होता है ना कि जानवर है वो बिगड़ भी सकता है, आपके हाथ से निकल भी सकता है, कहीं पर अपनी मनमानी भी कर सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पे उसको मारना चाहिए, जिस्म के किस हिस्से पे उसको मारना देखो चाहिए? सर अर्ज ये है ना, जब घोड़ा कोई कुताही करता है, सवार की नहीं मानता, उस टाइम घोड़े को समझाना पड़ता है, कभी घोड़े को अपनी मनानी है, बिल्कुल, कभी घोड़े की माननी है, और उसको लगाना भी है, चाबक लगाना है, और उसके जो स्टिक होती है वो भी उसको लगानी, क्यों जो आउट ना हो। सही है। और ज्यादा उसको नहीं मारना, जितना ज्यादा घोड़े को मारेंगे इतना घोड़ा बस इतना कि उसको समझ आ जाए कि मैंने ये काम नहीं करा, मैंने कुताही की है। सही है। सवार जो मेरा मालिक है ये मुझे सजा दे रहा है, जैसे टीचर जो है ना जी, बिल्कुल, वो बच्चे को। बिल्कुल। मैं इसी चीज में एक बात ऐड करना चाहूंगा, मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर ही गाइस, तो उसमें एक उस्ताद थे वो बता रहे थे कि जो कुत्ता होता है ना उसको इंसान गुलाम भी बना सकता है, बिल्कुल, लेकिन जो घोड़ा होता है वो सिर्फ आपका दोस्त बन सकता है, दोस्त, वो गुलाम नहीं बन सकता, तो आप उसको दोस्त के तौर पर रख सकते हैं, दोस्त को इंसान कभी कभार कुछ मार भी देता है प्यार में, क्यों गलती कर जाता है तो उसको समझाने के लिए, लेकिन आप उसके ऊपर जो है ना हुक्मरानी नहीं कर सकते, जिस तरह से कुत्तों के साथ किया जाता है, कुत्ता पालता है ना इंसान तो उसके ऊपर हुकूमत भी कर सकता है, उसको अपने गुलामों की तरह रखते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल से हर बंदे को नहीं पता होती, और वो इसी वजह से उनका जानवर जो होता है वो ज़्यादा कोताही कर जाता है, क्योंकि वो उसके साथ कह लें कि अकड़ जाते हैं, या वो करना कि यार ये तो मेरा पालतू है, तो ऐसा नहीं है, इनके मिजाज को समझना और उसके साथ चलना भी एक आर्ट है, आप इस बारे में देखो सर, कुत्ते और घोड़े में तो ढेर सारा फर्क है, मैं सिर्फ वो एक पालतू जानवर के लिहाज से मैं रेफरेंस दिया, बिल्कुल, और ये जो चीज है ना, इसको जिस टाइम ये फॉल होता है उस टाइम इसको कुछ ना कुछ लगाओ, समझाओ, बिल्कुल, इसको गुलाम अपना नहीं बनाना। हाँ, एक लोग होते हैं भाई बकवास निकालते हैं, मंदिर निकालते हैं घोड़े को, क्यों जो घोड़ा जो है ना ये लोग कहते हैं हराम है, हराम नहीं है। अच्छा। मकरू एक खी दूध में मक्खी आ गई है ना, हाँ, मक्खी को निकाल लो, बिल्कुल, आपका जी चाहता आप दूध पी लो, वो मकरू है, किराहत आती है, अच्छा किराहत आती है, उसको फेंक दो, बिल्कुल, और एक मान दूध है उसमें एक मक्खी आ गई है, हाँ, उसको तो नहीं फेंका जाता, उसको नहीं फेंका जाता, नहीं फेंका जाता, ये जो चीज भी है, ये जब दुनिया से मरते हैं ना, इनको गुसल आता है, इनको कफन आता है, और इनकी कब्र बनाते हैं, कब्र बना के फिर इसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, फिर इसको दफन करते हैं,
कई मोहब्बती तो वो भी हैं जो तीन तीन दिन जो है ना, मैं जैसे फौतकी हो जाती है ऐसे नीचे जमीन में बैठते हैं। अच्छा, दोस्त आते हैं उनका अरमान कर रहे हैं। उस्ताद खान साहब का कमर जमान का जो घोड़ा था ना, वो उसका जब घोड़ा इस दुनिया से चला गया और उसने 100 चक्कर भी बोला, बस सारी जिंदगी में मुझे घोड़ा वो नजर नहीं आया। कमर जमान साहब जो है घोड़े के लिए रो रहे थे। ये इतनी प्यार वाली मोहब्बत है सर, उनकी इतनी मोहब्बत, बिल्कुल ऐसे लगाओ तो ऐसे ही हो जाता है कि बचपन से एक चीज आपके साथ है। और ये जानवर इतना प्यारा है ना कि आपको जो है ना, अभी देखो इसको इतना शौक है, ये जब कोई वीडियो वाला आता है ना, कैमरे वाला ये अकड़ जाता है, ये अकड़ जाता है, नखरे बदमाशी करता है। हाँ, ये तो मेरी जो वीडियो बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।